मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के गांव नगला बोहरा में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक घर में कार देने के बहाने घुसा और उसने घर में मौजूद युवती पर चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। युवती की चीख पुकार सुनकर जब उसकी मां उसे बचाने आई तो आरोपी युवक ने मां पर भी प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे मां बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से भागने लगा तो ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। ग्रामीणों के बीच अपने आप को घेरता देख आरोपी युवक ने अपने आप को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल सनसनीखेज दिल दहलाने वाली वारदात में युवती की अस्पताल में मौत हो गई और वहीं मां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। उधर आरोपी युवक जिला अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज भी चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही इलाका पुलिस के साथ एसपी सिटी सीओ रिफाइनरी भी मौके पर पहुंच गई, जहां उन्होंने बारीकी से घटना का हालचाल जाना और घटना के संबंध में एसपी सिटी ने बताया कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला एक युवक नगला बोहरा में कार देने के बहाने घर में घुसा था और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। युवक ने चाकू मार कर अपने आप को भी घायल कर लिया है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक ने वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसकी जानकारी युवक के होश आने पर ही हो पाएगी। फिलहाल घटना में घायल युवती की मौत हो चुकी है। एक तरफा वारदात में अंजाम दी गई सनसनीखेज वारदात के बाद चर्चा भी है कि युवक की फेसबुक के माध्यम से युवती से दोस्ती हुई थी और उसी की बात को लेकर दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। क्या नाम है आपका, नाम बताइए अपना। ये क्या घटना हुई है नगला बोहरा में? अभी घटना जी भैया चाकू मार के भागुआ साहब एक लड़का किस किस में चाकू मारा है? माँ बेटी में, बेटी तो बेटी खत्म है गई साहब। ऐसे बोला तो लड़का पकड़ पाया यहाँ पर? अभी पकड़ लिया था। थाना हाईवे के नगला बोहरा गांव में एक युवक जिसकी उम्र करीब 23-24 साल है, जो मुजफ्फरनगर के उपरा गांव का रहने वाला है और जिसका नाम अभी कश्यप है, वो आया और तेजवीर के घर पे गया। वहां पर उसने बताया कि मैं शादी का कार्ड देने आया हूं और अंदर चला गया घर के। घर के अंदर जाकर उसने आधा किलो की मिठाई का डिब्बा दिया और साथ ही तेजवीर की पुत्री पर चाकू से अटैक कर दिया, जिससे घायल होकर उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। उसकी माँ उसको बचाने के लिए आई तो माँ पर भी उसने चाकू से वार किया, जो घायल है और सिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका। ठीक है, अभी डॉक्टरों के अनुसार खतरे से बाहर हैं। इसी प्रकार उसने फिर स्वयं अपने ऊपर चाकू से अटैक किया। चाकू से अटैक करने से वो खुद भी घायल हो गया और उसको जिला अस्पताल पुलिस भर्ती कराई है, जहां पर उसकी स्थिति स्थिर है। और जैसे ही वो पूछताछ के लिए सुलभ होगा, उससे पुलिस पूछताछ करके इस घटना के संबंध में जानकारी करेगी। परिवार की तरफ से FIR के लिए तहरीर प्राप्त हो गई है, पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही युवक बातचीत के लिए सुलभ होगा, उससे बातचीत करके घटना के संबंध में जानकारी की जाएगी।